Hello my dear students, welcome back to my channel Biochem Academy. Let's get started then. In last lecture we have seen human brain part 1, classifications of brain dekha tha. Today I am going to show the different lobes present in the brain. Yes, today again we are going to see with this model. Okay, so different lobes of brain, there is 4 lobes in brain: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. Again, there is 4 lobes in brain: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. Where is this lobes present? Brain mein position kahan hogi? So, this is the brain. Yes, frontal matlab front, aage. Frontal lobe, here. Okay, agar side se aise dekhoge agar aap brain ko, to frontal lobe ye rahega, yahan pe. Okay? Then the parietal lobe, yahan pe, here. This part. Okay? Temporal lobe, यहाँ पे साइड में देखो, ब्रेन के साइड में यहाँ पे ये दिस. एंड फाइनली ऑसिपिटल लोब, ब्रेन के पीछे बैक साइड, हियर दिस साइड. ओके, तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड बैक साइड इज द ऑसिपिटल लोब. ओके, मॉडल का काम यही तक था. द नेक्स्ट पार्ट विच वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट फंक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं ये डिफरेंट लोब्स. उस लोब में भी अलग अलग पार्ट्स है. लेट्स चेक आउट इट. फ्रंटल लोब कंसिस्ट ऑफ 4 एरिया. वो 4 एरिया के नाम लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है छोटी सी. अभी जो बहुत फेमस गेम चल रही है, यंगस्टर्स इज गेटिंग एडिक्टेड टू इट, पबजी है ना, PUBG, पबजी. तो वैसे ही इसका नाम हमने रखा है पेबजी. यस, यू को हटा के ए, पेबजी. तो पी स्टैंड्स फॉर प्रीमोटर एरिया, ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन एरिया, बी स्टैंड्स फॉर ब्रोकास एरिया एंड जी स्टैंड्स फॉर जनरल मोटर एरिया. देखते हैं वन बाय वन कौन सा एरिया कौन सी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है. उसके पहले दो टर्म जानना है आपको, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री मीन्स द एक्टिविटी विच अवर ह्यूमन बॉडी कैन कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग है ना, सेटिंग, स्टैंडिंग अप, मेकिंग अ फिश, टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, थ्रोइंग अ बॉल. तो ये सब एक्टिविटीज हमारे कंट्रोल में है ना, अकॉर्डिंग टू अवर नीड वी कैन चेंज इट और परफॉर्म इट, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री एक्टिविटी. जो एक्टिविटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन है ना, एंड मैनी अदर एक्टिविटी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कंट्रोल कर सकते. दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी is called as involuntary activity which we cannot control. Okay, so general motor area ka function hai controlling voluntary activity. Okay, premotor area function involuntary area, involuntary activities ko control karta hai. Association area memory, intelligence, judgment taking ability, ye sab control karta. And Broca's area is also called as general speech area. Means हमारी speech को control करता है. ये bulge in boys is called as larynx. उसके थोड़ा सा ऊपर होता है pharynx. क्या होता है? Pharynx. Pharynx, mouth and tongue. This was the function of frontal lobe. The next lobe is parietal lobe. उसमें दो area है. General sensory area and Wernicke's area. जनरल सेंसरी एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमेस्थेटिक एरिया. क्या बोलते हैं? सोमेस्थेटिक एरिया. दिस कंट्रोल सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर, प्रेशर. कोई ज्यादा जोर से प्रेस करेगा, अरे पेन हो रहा है, क्यों? प्रेशर बढ़ रहा है. किसने सिग्नल दिया? इसने दिया. ऑब्जेक्ट इज हॉट, सेंसेशन, टेम्परेचर. किसी ने टच किया, फील आई, सोमेस्थेटिक एरिया. वर्निक्स एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी स्पीच एरिया, हेल्प्स इन स्पीच. जो मैं अभी स्पीच दे रहा हूँ, आप बात करते हो, हेल्प करता है स्पीच करने में. ओके, बोलने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, द नेक्स्ट लोब इज टेम्पोरल लोब. साइड वाला लोब जो था ना, दैट वॉज टेम्पोरल लोब. क्या फंक्शन है उसका? प्राइमरी ऑडिटरी परसेप्शन. क्या सुन रहे हो? प्राइमरी ऑडिटरी परसेप्शन. ओके, रिसीव करना, मेमोरी एंड लैंग्वेज. ओके, we can learn different types of language. Occipital lobe,
फाइनली द लास्ट लोब ऑफ ब्रेन ऑसिपिटल लोब, विजुअल देखना, विजुअल एरिया, पार्टिसिपेट इन विजन प्रोसेसिंग, आपने क्या देखा, सपोज आई एम सीइंग दिस मार्कर, ओके मार्कर का शेप सिलेंड्रिकल है, थिकनेस है, लेंथ है इसकी, कलर कौन सा है, ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे रेड कलर भी है, ब्लू कलर का कैप है, व्हाइट कलर है उसका बॉडी, तो मैंने एक बार मार्कर देख ली, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मार्कर देखूंगा आई कैन रिकॉग्नाइज, हाँ भाई ये मार्कर है, इसको मार्कर बोलते हैं, लाइक स्मॉल बेबी लर्न्स, सो एक बार ऑब्जेक्ट को देख के उसे परसेप्ट करना, विजुअल, दैट इज कंट्रोल्ड बाय ऑसिपिटल लोब, ठीक है, अगर इसके ऊपर डैमेज हुआ सो ऑब्जेक्ट तो देख सकते थोड़ा बहुत बट क्या है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, सो ना अगर इसमें से अलग अलग लोब के ऊपर हेड इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, एक्स वाई जेड एनी रीजन की वजह से अगर ये लोब के अंदर डैमेज कंप्लीट या पार्शियल थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो क्या क्या होने के चांसेस हैं, ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, मैनी डिजीज कैन टेक प्लेस, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार टर्म दिए जो यूजुअली होते हैं, अफासिया, अग्राफिया, एग्नोशिया, अकेल्क्युलिया, अफासिया ये मैंने बताया था फेरिंग्स बोलने के लिए काम करता है, जनरल स्पीच एरिया, फेरिंग्स तो फेरिंग्स का फेर, अफासिया, ओके अगर अफासिया हुआ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, पर्सन विल नॉट एबल टू स्पीक, इनएबिलिटी टू स्पीक, ग्राफ पेपर मैथ्स में ग्राफ ड्रॉ करते स्टैटिस्टिक्स के अंदर, सो ग्राफ पेपर लिखने के लिए काम आता है ना, अग्राफिया आई मीन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, मीन्स वी आर अ फॉर्म ऑफ राइटिंग ना, अग्राफिया, इनएबिलिटी टू राइट, लिख नहीं सकते, तो ये ऐसे याद रखो, अफासिया फेरिंग्स बोलने के लिए, अग्राफिया ग्राफ पेपर याद रखो, ग्राफ पेपर पे लिखते हम लोग ड्रॉ करते कुछ ना कुछ हाथ से, इनएबिलिटी टू राइट, एग्नोशिया इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई पीपल और ऑब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बताया था डैमेज हुआ तो क्या हो सकता है, एग्नोशिया, ठीक है, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई पीपल, अपना रिलेटिव कोई मिलेगा देख तो पाओगे बट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे भाई कौन है ये, ओके देन अकेल्क्युलिया डिफिकल्टी इन मैथ्स, कैलकुलस, कैलकुलस से मिलता जुलता वर्ड अकेल्क्युलिया, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मिंग द सम्स इन मैथ्स, सो क्लास यू कैन कॉपी डाउन दिस, मेक अ पेपर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेज सेशन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, so any doubt you can comment in comment section below and do not forget to like if you like this video and also subscribe to my channel and also share it with your friends, thank you.